हाँ भाई, हम लोग पढ़े बेटा प्रोनाउन, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चल रहा है। इसके पहले हमने ईच एवरी एंड एवरी के बारे में बताया। अब इधर देखो, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नार, आर नार से, यदि दो कर्ता, ये यस यू वी माने सब्जेक्ट, यदि दो कर्ता दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो जो यहां वर्ब आएगी वह इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देखो इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी तो इसी के अनुसार पैसिव केस आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। फिर से, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नार, आर नार से, यदि दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो यहां कर्ता आएगा इसके अनुसार वर्ब आएगी, इसी के अनुसार पैसिव केस आएगी। समझो बेटा, सिखाओ बेटा, आइदर राम आर मोहन लिव इन दिस विलेज, या तो राम या तो मोहन लिव इन दिस विलेज, बात गलत है बेटा। अब यहां मोहन आया ना बेटा, तो मोहन के अनुसार यहां पर वर्ब आएगी, तो प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है, तो मोहन लिव होगा, लिव्स होगा, ये अब से, यानी कि आइदर डैश डैश आर से दो कर्ता जुड़े तो जो यहां कर्ता आएगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। अब जब इसके अनुसार वर्ब आएगी तो अगर आगे पैसिव केस लगना है तो ये इसी के अनुसार आएगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। सिखाओ बेटा, आइदर रवि आर हिज फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क। अब देखो, आइदर रवि आर हिज फ्रेंड्स, या तो रवि अथवा उसके मित्रों ने, अब यह बहुवचन हो गया, यहां हैज होगा कि हैव होगा, तो पहली गलती है कि हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। अब इसके अनुसार वर्ब आए इसी के अनुसार आगे पैसिव केस भी आएगा, तो अब हिज होगा कि देयर होगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, देयर। अब यह वक्त से ठीक है, तो आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉट से, यदि दो कर्ता आपस में जुड़े तो जो यहां कर्ता आएगा इसके अनुसार वर्ब आएगी, यहां जो कर्ता इसके अनुसार वर्ब आएगी, और पैसिव केस भी इसी के अनुसार आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। इसे कहा बेटा, नाइदर रेखा नार हेमा, हैज प्लेड ए रोल इन दिस फिल्म। यह वाक्य आपका सही है, नाइदर रेखा नार हेमा, तो हेमा के अनुसार हैज वर्ब आई सही। सिखावडर, नाइदर सुरेश नार हिज ब्रदर्स, नार हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू हिज स्कूल, हिज स्कूल। यह वाक्य ये गलत है, नाइदर सुरेश नार हिज ब्रदर्स, तो ब्रदर्स के अनुसार यहां इज होगा आर होगा, इज गलत है, क्या होगा बेटा, आर होगा। अब जब यह बहुवचन हो गया तो इसके अनुसार वर्ब आएगी, यहां हिज होगा देर होगा, देर होगा। आगे होगा समझ, जो यहां करता आएगा इसके अनुसार वर्ब आएगी, इसी के अनुसार प्रसिद्ध कैसे, नोट कर लिया, हाँ ठीक है, गुड। अब आगे देखो, उसी रंग से लिख लो, देखो, अमित आर सुमित,
अमित आर सुमित प्ले चेस डेली, वाह गलत है बेटा, क्या गलती है, क्या होगा प्लेज, सही कहा, बिल्कुल प्लेज होगा बेटा, आइदर सुमित आर अमित नवड़ा प्लेज चेस डेली। एक और सरला नार विमला हैव कुक्ड द फूड इन द किचन, सरला नार विमला हैव कुक्ड द फूड इन द किचन, क्या होगा हैज कुक्ड द फूड इन द किचन, बात पक्की हो गई, नोट कर लिया। अब अगला नियम लिखो, लिखना पड़ेगा इनसे, लिखो बेटा इनसे, यदि दो करता, इनसे यदि दो करता, जिसमें एक एक वचन दूसरा बहुवचन है तो बहुवचन वाले को बाद में रखते हैं, बहुवचन वाले को, फिर से इनसे का मतलब आइदर डैश डैश आर नाइदर डैश डैश नार आर नार से, यदि दो करता जिसमें एक एक वचन और दूसरा बहुवचन है तो बहुवचन वाले को बाद में रखते हैं, इतना नोट कर लिया। वैसे कहा बेटा नाइदर द टीचर्स नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर वाज प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास, यह वाक्य दिस इज राइट, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर, जिसमें एक एक वचन है दूसरा एक एक वचन है दूसरा बहुवचन वाले को बाद रखते हैं, कैसे सेट करो बोलो, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब ये यहां पे आ गया इसके अनुसार कर भाई बेटा क्या हो जाएगा, वर प्रेजेंट इन द क्लास, पक्का नोट कर लिया, तो इनसे ये दो करता जिसमें एक एक वचन है दूसरा बहुवचन है तो बहुवचन वाले को बाद रखते हैं, तो जब बाद रखोगे तो उसके अनुसार कर आएगी, नोट कर लिया, जैसे कहा बेटा आइदर द वर्कर्स आइदर द वर्कर्स आर द मैनेजर नोट हैज गॉन टू द फंड ऑफिस, फंड ऑफिस, यह वाक्य आइदर द वर्कर्स आर द मैनेजर हैज गॉन टू द फंड ऑफिस, अब इसमें एक एक वचन है दूसरा बहुवचन है तो बहुवचन वाले को बाद करो, बोलो क्या हुआ, आइदर द मैनेजर आर द वर्कर्स, अब वर्कर्स आ गया तो हैज होगा कि हैव होगा, हैव गॉन टू द फंड ऑफिस, पक्का, तो ये स्टाइल है बेटा, इसको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये नियम नीचे भी लग जाएगा, तो इनसे कहा इनसे यदि दो करता जिसमें एक एक वचन दूसरा बहुवचन है तो ध्यान रखना बहुवचन वाले को बाद रखना, नहीं तो वाक्य हो जाएगा दूसरे, बात पक्की हो गई, नोट कर लिया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे अगला पॉइंट देखो बेटा, आइदर नाइदर एनी और नन, आइदर नाइदर दो के लिए
एनी और नन दो से अधिक के लिए आइदर और नाइदर किसके लिए इस्तेमाल करोगे? दो के लिए। और दो से अधिक के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? एनी और नन का। यानी कि दो होगा तो आइदर होगा, दो से ज्यादा होगा तो आइदर की जगह एनी हो जाएगा, दो होगा तो नाइदर होगा, दो से अधिक होगा तो आइदर की जगह क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। जैसे कहा बेटा एनी ऑफ योर टू ब्रदर्स, एनी ऑफ योर टू ब्रदर्स इज हैंडसम, हैंडसम। यह बात है थोड़ा तो देखो ध्यान से, एनी ऑफ योर टू ब्रदर्स इज हैंडसम, गलत कहा डर? दो भाई हैं तो यहां एनी का प्रयोग गलत है। क्या होगा डर? आइदर ऑफ योर, तुम्हारे दो भाइयों में से कोई एक, क्या लगाओगे? ये तो सही है, तो आइदर दो के लिए, नो डर, सही कर लिया। दो हैं इसलिए एनी का प्रयोग गलत है। क्या होगा यहां पर? इसे कहा बेटा आइदर ऑफ हिज, आइदर ऑफ हिज थ्री सिस्टर्स, आइदर ऑफ हिज थ्री सिस्टर्स टीचर इन दिस कॉलेज। तो दो से अधिक हो गया तो यहां पर आइदर का प्रयोग गलत है बेटा। क्या होगा? एनी होगा। एनी ऑफ हिज थ्री सिस्टर्स टीचर इन दिस कॉलेज, पक्का? जैसे कहा बेटा None of the two girls is beautiful. None of the two girls is beautiful. This is wrong. सही करो। अरे दो है तो नन का प्रयोग गलत है। क्या होगा बेटा? नेगेटिव है। Neither. Neither of the two girls is beautiful. नोट कर लिया। दो के लिए नाइदर का प्रयोग होगा, लेकिन क्या बेटा नाइदर ऑफ माई फोर फ्रेंड्स हैज गॉन टू आगरा। This is wrong. Neither of my four friends. अब दो से ज्यादा हो गया, neither की जगह क्या लगे बेटा? बोलो ना। यह पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने बताया either और neither किसके लिए? दो के लिए। और दो से अधिक के लिए any और none का प्रयोग, पक्का? नोट कर लोगे? यह हमने बताया बेटा either neither के बारे में, पक्का? बाकी अगले एपिसोड।